हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्री फायर आईडी सस्पेंड के बारे में, क्योंकि यार आप लोगों के यार मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे और कमेंट में भी आप बहुत सारा लिख रहे थे कि यार हमारी आईडी सस्पेंड हो गई, तो भाई आप कुछ करो, क्या हमारी आईडी वापस आएगी या फिर नहीं आएगी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ टोटली बता दूंगा कि आएगी या फिर नहीं आएगी, इन फ्यूचर कब आएगी और अगर नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी, ये सभी कुछ बता दूंगा और आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है जैसे कि आपकी आईडी सस्पेंड ना हो और अनबैंड ना हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो पर यार लास्ट तक बने रहना है और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मेरे को ये जरूर पता है कि आप सभी में से एक ना एक बार तो आप लोगों की आईडी यार सस्पेंड हुई होगी, क्योंकि मेरी भी हो रखी है और बहुत टाइम पहले हो रखी है। सब कुछ आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा यार एक अच्छी सी वीडियो बना के बताई जाए। तो सबसे पहले यार हम आप देख सकते हो हमारे मोबाइल की यहाँ पे पीसी की स्क्रीन पे आ रखा हूं मैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ और लॉग आउट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे करना क्या है। सो गाइस, जैसा कि यार आप पीसी की स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने अपनी जो आईडी है सबसे पुरानी वाली जो सबसे पहली आईडी थी उसको मैंने लॉग इन कर दिया और उसके अंदर मैंने यार कुछ ना कुछ कॉन्फिग वगैरह इंस्टॉल की थी, जिसके कारण यार मेरे फ्री फायर वालों ने क्या किया, मेरी आईडी को सस्पेंड कर दिया। तो सबसे पहले मैंने इसको लॉग इन कर लिया। आप देखो टैप टू बिगिन पर मैं जैसे ही टैप करता हूं तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता होगा, आपकी भी आईडी के अंदर कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता होगा, जो कि गाइस मैं भी आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हो देयर आर अबनॉर्मल एक्टिविटी विद योर अकाउंट, इट हैज बीन सस्पेंडेड। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, हेल्प एंड कंफर्म। कंफर्म का मतलब है कि कुछ नहीं हो सकता, अगर आप चाहो हेल्प के अंदर तो हेल्प के अंदर आप जाके इनको फीडबैक दे सकते हो। पर एक चीज का मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपने कोई भी कंफिग लगा रखी है, कोई भी वीएफएक्स टूल लगा रखा है या फिर कोई भी हैक वगैरह एमबोट वेमबोट कुछ भी यूज कर रखा है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, तो आपकी आईडी वापस आने के चांस आप बोल ही जाओ कि आएगी। मैं आपको कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूं कि आ जाएगी, ये करो वो करो, क्योंकि यार मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है। अगर आपको नहीं पता है तो ये आप मेरी पुरानी से पुरानी वीडियो देख सकते हो, पहली वाली, जिसके अंदर मैंने इसी आईडी का हेल्प वगैरह सब कुछ जाके बताया था, फीडबैक वगैरह कैसे देना है वो भी मैंने आपको बताया था। पर उससे यार लगभग एक साल हो गया, अभी भी मेरी आईडी देख सकते हो वापस की वैसी है, अभी तक नहीं आई है। तो मैं आपको तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने मान लीजिए कि कुछ लगा रखा है हैक वगैरह, क्योंकि मेरी ये हैक से ही हुई है, तो हैक वगैरह अगर आपने लगा रखा है तो प्लीज आप बोल जाओ कि आपकी आईडी आएगी, इससे आप नई आईडी बना के उस पे यार अपना वर्क करो, उस पे यार अपना जो भी है खोलना खालना जो भी खोलना चाहते हो बंडल वगैरह उसी पे खोलो। पर एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी यार हैक वगैरह कन्फिग वगैरह मत ट्राई करना, वरना यार फ्री फायर वाले बहुत ज्यादा जल्दी पकड़ लेते हैं और उसके बाद में एक बार अगर उन्होंने बैन कर दी तो वापस हमारी आईडी नहीं आएगी, क्योंकि हम इतने पॉपुलर वगैरह हैं नहीं कि हर बंदे की आईडी वो दे पाए। और कुछ कुछ लोग यूट्यूब पे ऐसी वीडियो बनाते हैं जो अपनी एक आईडी को दिखा देते हैं, उसके बाद में दूसरी आईडी ऑन करके दिखा देते हैं कि ये देखो हमने रिव्यू वगैरह भेजा था और हमारी आईडी वापस आ गई। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है। अगर आप इस पे हेल्प पे टैप करोगे तो मैं भी आपको सब कुछ दिखा देता हूं, इसीलिए मैंने बोला कि प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो आईडी है मेरी यार ये बहुत पहले से ही यार मेरी बैन है और अभी तक नहीं आई है। जैसे ही हमने हेल्प पे टैप किया तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ गया है, आप देख सकते हो। अगर आप चाहो तो इनको फीडबैक दे सकते हो, जिससे कि हो सके तो आपकी आईडी आ जाएगी। वैसे मेरे को पता है 110% नहीं आएगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना है। आप देख सकते हो यहां पे आ गए हैं, यहां पे लिख रखा है प्रोमोटेड आर्टिकल्स, ये समथिंग कुछ है अनाउंसमेंट वगैरह है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा चीज नहीं देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको लिखा गया है कि आईडी वापस कैसे लेके आए, क्योंकि बहुत सारी आईडीज यार एक के साथ साथ बैन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट इशू का ऑप्शन है, आपको सिंपली उस पर टैप करना है। जैसे आप अकाउंट इशू पर टैप करोगे तो देखते हैं आगे क्या आता है और उसी हिसाब से मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या करना है। अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर अगर उनको फीडबैक दोगे तो वहां पे कुछ भी नहीं होना है, जो भी यूट्यूब पर वीडियो बनी है आप भले जाके देख लो, भले 10 बार ट्राई कर लो। ऐसे तो यार मैं भी इस वीडियो पे यार कुछ भी बता के और मेरे 10 बंदों को बोल दूं कि इस पर कमेंट करता ना कि मेरा आईडी वापस आगे मेरी आईडी, तो उससे क्या होता है कि दूसरों जो भी नए बंदे आते हैं वो देखते तो लगता है हाँ भाई इनके कमेंट आ रखा है कि आईडी आ गई तो हमारी भी आ जाएगी। तो गाइस ऐसा नहीं होता है, आईडी वापस ऐसे नहीं आती है। अकाउंट बैन आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर है, तो सबसे पहले मैं अकाउंट बैन पे टैप कर देता हूं। और इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको कभी भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी कन्फिग वगैरह नहीं लगाना है, वरना आप कितना भी कर लो आपकी आईडी वापस आएगी ही नहीं। अगर आपको ऐसे ही नॉर्मली उन्होंने कर दिया है गलती से तो अगर आप फीडबैक देते हो तो हो सकता है कि आ जाए। हाउ टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, ये तो आपको बता रखा है, लॉस्ट अकाउंट ये सभी आपको पता है। यहाँ पे अगर आपको देख सकते हो वाज दिस आर्टिकल हेल्पफुल, यहाँ पे आपको सिंपली नो कर देना है। नो करने के बाद में ये आपको एक फीडबैक का ऑप्शन दे देंगे, जहां तक मेरे को लगता है ये दे देंगे। तो हमने इस पे नो पे टैप कर दिया है, भाई साहब कुछ आगे निकल जाओ यार, वाह नो कर दिया है, हाँ ये कुछ कर रहा है, ये देख सकते हो हम यहाँ आ गए। तो यहाँ पे लिख रखा है प्लीज लॉग इन टू योर फ्री फायर अकाउंट फ्री फायर कस्टमर सर्विस, तो हमारे यार आईडी अकाउंट है जो भी यार वो बैन है। तो सबसे पहले मैं फेसबुक पे टैप कर देता हूँ, फेसबुक वाला ही है, तो ट्राई करके देखते हैं कि आगे क्या आता है। वैसे मेरे को पता है कि आईडी वापस नहीं आएगी और मैं आप लोगों को भी बता दूं कि आईडी ऐसे वापस नहीं आती। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पासवर्ड डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख रखा है फॉर योर सिक्योरिटी सिक्योरिटी लॉग इन टू योर फेसबुक अम्ब्रेस्ड वेर डिसेबल टू कंटिन्यू डाउनलोड एंड लॉग इन योर फेसबुक ऐप, ये तो आता रहता है यार मेरे पता नहीं क्यों। और आप यार वहां पे यार आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, अपना आईडी पासवर्ड डाल के आगे चेक करना है कि आपको क्या दिखाता है। वैसे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आईडी वापस नहीं आएगी, आप भले कितना भी कर लो कितनी भी वीडियोस देख लो, ये बात मैं आपको 100% लिख के देता हूं कि आपकी आईडी वापस नहीं आएगी। मेरी भी यार एक साल हो गई आईडी वापस नहीं आई, मैंने सब कुछ करके देख लिया, फीडबैक डाल के देख लिया, जीमेल पे मेल करके देख लिया
और प्ले स्टोर के अंदर कमेंट करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, नहीं आई। और लोग बोलते हैं कि आ जाती है, वर नहीं आती है। जो भी था गाइस मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे। तो अगर मेरी यार ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैं कुछ झूठ नहीं बताता हूं, अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।